हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द केसी आर्ट, और मैं आपके साथ मानिक रॉय। तो दोस्तों, आज हम एक सिंपल सा लैंडस्केप करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना होगा, एक जो हिल का ड्राइंग होता है वैसा ही कुछ आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं कुछ एक दूर का जो हिल है उसी का एक ड्रॉ कर ले रहा हूँ दोस्तों। तो कुछ इस तरह से, तो इसके साथ दोस्तों आप कहीं कहीं पे छोटा छोटा पेड़ का भी यूज कर सकते हैं, कुछ इसी प्रकार से दोस्तों, एकदम आसान एकदम सिंपल सा। दोस्तों, लैंडस्केप का मेन कारण ये है कि आप कैसे कलर को मिक्स कर सकते हो एक दूसरे से, कैसे आप टोन को सीख पाओगे। इसलिए दोस्तों मैं ज़्यादातर लैंडस्केप करता हूँ, और लैंडस्केप करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि लैंडस्केप करने में उनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दोस्तों, आज का ड्राइंग उन लोगों के लिए है, तो प्लीज़ एंड तक देखते रहिए। तो सिंपल से हमारा ड्राइंग हो चुका है, अब इसको कैसे कलर में अप्लाई करते हैं वो देखते रहिए। हम लोग स्काई से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को स्काई को एक पानी से वॉश कर लेना है दोस्तों, कुछ इस तरह से। फिर हम लोग ये वाला पोजीशन को ट्राई करेंगे। तो ये लोग मैं थोड़ा अल्टरनेट ब्लू का यूज करूंगा यहाँ पे। इसके साथ मैं थोड़ा सा यहाँ पर येलो ऑकर का यूज करूंगा। इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों, अब हम इन नीचे वाले क्वेश्चन को कलर करेंगे। जो पहाड़ी का एक टोन है वही दे रहा हूँ। इसके साथ आप थोड़ा सा बांशाने का भी यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से दोस्तों। करने के बाद आपका जो दूर का पोर्शन पे यहाँ पर ट्रीट देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पर सेपिंग के साथ थोड़ा सा प्रिंस ग्रे का यूज करूँगा ताकि हम लोग को थोड़ा डार्कनेस मिले। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हम लोग को दे देना है। कहीं कहीं पे दोस्तों ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं, डार्क पोर्शन का यूज़ करूँगा। तो कुछ इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं आप लोग। तो आप लोग जो चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा अल्टरनेट ब्लू का भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा उसके साथ। कुछ इस तरह से ये पेकट आएगा, इसके फर्स में और थोड़ा बांध छाइना ले लेता हूँ, तो दिखने में कहीं कहीं अच्छा लगे। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर भी अगर कुछ कुछ पेड़ लेना चाहते तो दे सकते हैं, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। आपके हिसाब से जितना देना चाहिए उतना दे दीजिए दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से। फिर आप थोड़ा गैम्बोजियोला के साथ सैप क्रीम मिक्स करके
फर्स्ट नोट कहीं कहीं यूज़ कर सकते हैं एकदम हल्के टोन में। फिर उसके साथ थोड़ा सा सेबलिन के साथ थोड़ा सा यो लॉकर का भी कहीं कहीं यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से कहीं कहीं चाह रहे हो तो सैपकिन के साथ थोड़ा सा बांध छाने का भी यूज कर सकते हैं डार्क देने के लिए, कुछ इसी प्रकार से। दोस्तों देख सकते हैं कितना सिंपल में ओनली टू टोन में आप एक वाटर कलर लैंडस्केप इजीली कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा हम लोग कहीं कहीं ईओ लॉकर का यूज करेंगे, कहीं कहीं आप अल्टरमेन थोड़ा ब्लू का भी यूज कर सकते हैं। कुछ इसी प्रकार से दोस्तों तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगा। फिर इसमें आप थोड़ा कहीं कहीं वाटर का स्प्रे कर सकते हैं तो एक अलग टेक्चर के छोटा छोटा पेड़ यूज करना चाहते हैं तो वो यूज कर सकते हैं इसी प्रकार से दोस्तों, जहाँ जहाँ आप पेड़ लेना चाहते हैं दे सकते हैं। ताकि थोड़ा दूर का इफेक्ट नजर आए दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर छोटा छोटा टोन दे देना, टोन की मदद से आप लोग को कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं नीचे का पोर्शन में कुछ भी नहीं करूँगा क्योंकि ये मैं ऑफ रखा हूँ और हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये सिर्फ मिडिल एरिया है। तो हमारा आँख सबसे पहले हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पर ही जाना चाहिए, तो इसलिए ये इफेक्ट दिया हूँ दोस्तों। तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है, आसमान को खाली खाली एकदम नहीं रखना है दोस्तों, जैसे मैं नहीं रखता तो यहाँ पर हम लोग छोटा छोटा बर्ड्स बना देंगे कुछ इसी प्रकार से। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है। ये दोस्तों आज का वर्क अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हम लोगों को वर्क करने में बहुत मोटिवेट करता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया वर्क के साथ।